तो ईश्वर प्रणिधान में भूत शुद्धि के बाद आसन शुद्धि पर मन को लाए और इससे मन का जो दूसरा लगाव अटैचमेंट है शरीर से, साधक ईश्वर प्रणिधान के लिए तैयारी करके उसको उस अटैचमेंट से दूर करने की साधना करता है। इस चक्र साधक का हमारे शरीर का हमारे अस्तित्व का केंद्र बिंदु हुआ और वहीं से हम परमात्मा की तरफ लॉन्च करते हैं, चलते हैं। दीपनी का तीसरा चरण है चित्त शुद्धि। अब दूसरा हमारा अटैचमेंट मन का है अपने आप से, मन से। लेकिन मन का इससे निस्तार नहीं हो सकता, मन की इससे मुक्ति नहीं हो सकती जब तक मन का विषय मन से बड़ा ना मिले। हमारा मन आया कहाँ से? हमारा मन तो परमात्मा से आया, इसलिए हम चित्त शुद्धि में अपने इष्ट चक्र पर बैठे हुए मन को ये हम भाव देते हैं कि इस बिंदु के सर्वत्र जहां तक मन जा सकता है कुछ नहीं है, शून्य है, वॉयड है और वो भरा हुआ है परमात्मा से। तो जहां तक हम सोच सकते हैं वहां तक परमात्मा है, ये अपरंपार है, अनफेदमेबल, जिनको हम माप नहीं सकते हैं। तो यहां पर हम मन का विषय परमात्मा को देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि इसलिए भी कहते हैं कि यहां पहुंचकर चित्त की एकाग्रता बढ़ने से चित्त का विस्तार होगा। चित्त के विस्तार होने से विस्तृत चित्त, जिसमें चित्त नहीं है, प्योर हो गया वो, अन्न से अंकुर निकल गया, अंकुरित हो गया, वो अन्न नहीं है, दूसरा पार्ट हो गया, उसको अहम तत्व कहते हैं। उसका भी विस्तार शुरू हो जाता है और उस अहम तत्व का विस्तार महत तत्व में हो गया क्रमशः। महत तत्व विस्तृत होते 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 आत्मवत हो गया और मन अपनी लया अवस्था में पहुंचना शुरू करता है। तो चित्त शुद्धि के द्वारा हम चित्त को विस्तार के रास्ते पर लाकर हम रास्ता अपना खोलते हैं, खोल देते हैं, हृदय पट को खोलना शुरू कर देते हैं। हृदय पट जब खुलना शुरू कर होता है तो देखते हैं कि उस दरवाजे के ठीक उस पार हमारे इष्ट हैं, परमात्मा है। और इस चित्त शुद्धि के द्वारा हमारा मन का आत्मा में लय होता है, चित्त के विस्तार के द्वारा लय, इस दायरे से हम धीरे धीरे पार करते जाते हैं। और यहीं पर जीवन में धर्म की उत्पत्ति होती है, जीवन में धार्मिक भावना यहीं पर अंकुरित होती है। जब तक चित्त का विस्तार नहीं होगा तब तक धर्म में, जीवन में धर्म उतरा नहीं। इसलिए ये दीपनी धर्म के रास्ते पर चलाकर परम पद को चलाने वाला यह रास्ता है, इसी को दीपनी कहते हैं। तो साधक के हाथ में टॉर्च लाइट मिल गया सुषुम्ना में,
हम रास्ता दिखाते दिखाते मन को हम परमात्मा की तरफ ले चलते हैं। अब तीसरी चीज ईश्वर प्रणिधान का मंत्र चैतन्य है। मंत्र पहले भी कहा, वो शब्द है सिद्ध किया हुआ जिसका वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और जिसके मनन करने से त्राण मिलता है। तो सिद्ध किया हुआ वैसा वाइब्रेशन जब हम उसका जप करते हैं, हमारा मन भी उसी अवस्था में पहुंच जाता है। ओमो मन भावमय होकर के शब्द ब्रह्म की यात्रा करता है, शब्द ब्रह्म का सहारा लेकर के अग्रगति को प्राप्त करता है। तो हमको जो इष्ट मंत्र मिला यह सिद्ध किया हुआ महामंत्र है और मेरी आत्मा का नामकरण है। अब इसके जप से लगातार हमारे अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होगा। जब वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व वाइब्रेटेड होने लगता है और मंत्र फिर हमारे शरीर के कण कण में, अणु अणु में, हर आयोन में, हर लिक्विड पोर्शन में हमको वाइब्रेट करता है और हम धीरे धीरे शब्द मय हो जाते हैं। जो हमारा इष्ट मंत्र है वही हमारा भाव बन जाता है। यही शिवोहम की यात्रा है। जब साधक के जीवन में मंत्र अपना स्थान बना लेता है और मंत्र का जब उसको अर्थ समझ में आता है, आ जाता है, वही है मंत्र चैतन्य। वैसे हर शब्द दुनिया में मंत्र है, लेकिन इष्ट मंत्र ऐसा मंत्र है जिससे हमको त्राण मिलता है जिसके जप से। लेकिन दुनिया में जितने प्रकार के शब्द हैं, नाम है, ये भी मंत्र जैसा असर करता है। किसी का नाम लेकर के पुकारिए, तुरंत आवाज देता है। किसी को प्यार भरा शब्द बुलाइए, तुरंत रिस्पॉन्स देता है। किसको गाली से पुकारिए तो जवाब मिलता है। तो हर शब्द का असर है। मंत्र विज्ञान भी इसी विज्ञान पर आधारित है कि वो चूंकि सिद्ध किया हुआ है और हमारे जीव भाव पर उसका असर होता है, इसलिए वो त्राण दिलाता है मनन के द्वारा। हम बार बार जब उसी शब्द का जप भी करते हैं, भाव भी लेते हैं, मनन करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर आता है। इसलिए ऐसे मंत्र का जो आचरण करेगा, मनन करेगा, उसका जीवन अवश्य परिवर्तित होगा। इस देश में एक एक से डाकू भी मंत्र का जप करके और ऋषि बन गए। उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मंत्र जप में वो ताकत है। इसलिए मंत्र विज्ञान इसी साइकोलॉजी पर आधारित है। हाँ, सही मंत्र मिलना चाहिए और सही ढंग से उसका आइडिएशन होना चाहिए। तो सिद्ध मंत्र एक चैतन्य युक्त मंत्र है जो सिद्ध किया हुआ है। साधक अपने इस चक्र पर बैठकर चित्त शुद्धि में अपने मन को इस इष्ट मंत्र से
परिचालित कर जब आइडिएशन करता है कि मैं वही हूं, एक दिन वही बन जाता है धीरे धीरे। और इष्ट मंत्र का भाव रह जाता है, उसका शरीर बहुत पहले पीछे छूट जाता है, उसका मन का लय हो जाता है, इष्ट मंत्र मैं हो गया। यही है शिवोहम की यात्रा। इसी को शास्त्र में कहा, ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति, परमात्मा को जानने वाला परमात्मा स्वरूप हो जाता है, उसका सारा भेद मिट जाता है, अभेद हो जाता है। इसलिए ईश्वर की तरफ चलने के लिए प्रपूर्वक नीपूर्वक धावनम, ये प्रणिधान हुआ, ये विधि हुई, जिस विधि के द्वारा साधक धीरे धीरे स्पीड से बनाते बनाते गति बनते बनते ऐसी अवस्था आई कि ईश्वर सत्ता को प्राप्त हो गया, बूंद समुद्र में मिल गया, जीव शिव बन गया, सारा संसार उसके लिए ब्रह्ममय हो गया। वही लीलानंद की भूमि से निकलकर ब्रह्मानंद की प्राप्ति किया। यही जीवन का मूल रहस्य है और यही है ईश्वर प्रणिधान का रहस्य। तंत्र में जो वेद का अप्लाइड साइड है, लिबरेशन थ्रू एक्सपेंशन, विस्तार करके अपने को लिबरेट करा देना। तो जो साधक आरंभ में अपने दुनिया से अपने को मन को हटा नहीं पा रहा था, शरीर के लगाव से अलग नहीं हो पा रहा था, मंत्र का जप करते 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 एक दिन वही साधक मंत्र चैतन्य हो जाने पर वही शिवमय हो जाता है। यही ईश्वर प्रणिधान का रहस्य है। मनुष्य का स्वभाव है परमात्मा की खोज, स्वभाव से ही मानव ने परमात्मा की खोज जारी की। इस खोज में जिसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है, इसने दो रास्ते अपनाए, प्रवृत्तिमुखी और निवृत्तिमुखी। प्रवृत्तिमुखी क्रम में तीन प्रयास हुए, मुख्यतः दो, और पहले प्रयास में उसने परमात्मा को बाहर खोजा इस मान्यता से कि परमात्मा बहुत बड़े हैं, जितनी कल्पना नहीं कर सकता उससे बड़े हैं। तो उसने प्रकृति की अभिव्यक्तियों में परमात्मा की खोज की, संतुष्टि नहीं हुई, खोज जारी रही। इसी क्रम में आम आदमी की बुद्धि का विकास भी हो रहा है। इसी विकास क्रम में उसने परमात्मा की इमेज बनाई, मूर्ति बनाई, एक कल्पना कर ली, परमात्मा ऐसे है, ऐसे होने चाहिए। और उनके रूप की उपासना शुरू किया। आगे बढ़ा,
बढ़ते 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 उसी क्रम में ऋषियों ने देखा, जिसकी खोज हम बाहर कर रहे हैं वो है तो अंदर। इसलिए निवृत्ति मुखी साधना की, उपासना की शुरुआत हो गई।